दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे। पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें साफ हो जाती हैं। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई, मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी आप बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वॉटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे।